जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। ये मत सोचना कि मैं अपना फिटनेस लेवल दिखाने के लिए इस टेबल पे चढ़ा। तू यहाँ अंधेरे में क्यों खड़ी है? आ चलना। मैं थी। लोग कहते हैं कि 40 इज द न्यू 30। गलत कहते हैं। Because 40 is the second 20. We are 20, but we're 20 years of experience. Yeah. ये ना बिल्कुल नहीं बदला। तुझे अनुज याद है? नहीं। ये भी वही पूछ रहे थे। तो फिर तूने क्या कहा? क्या कहती? मुझे याद नहीं है तो वही कहती है कि याद नहीं है। अरे यार तू किस टाइप की लड़की है अनु? हमारे बाद के 10 बैचेस में से भी ना हर किसी को ये याद है। क्यों? तू रहने दे माँ। तू सिर्फ बाप बापूजी को याद रख, वो ही तेरे लिए काफी है। चुप कर। अरे इसलिए जब कॉलेज के बाद मैं यूएस गया, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ रह गई थी। डिग्री? अरे नहीं, डिग्री नहीं, दिल। फिर मुझे लगा कि मैं अपने दिल को कोरियर करके अपने पास वहां बुला लेता हूँ, लेकिन हैंडल विद केयर का आइटम है, कहीं टूट गया तो। इसलिए मैं तो परदेश में था, पर मेरा दिल मेरे देश में ही रहा। पर देर आए दुरुस्त आए, अब मैं, मेरा दिल और मेरे दोस्त तीनों यही हैं। रिश्ता है बहुत खास, मेरे यार दोस्ती जीती है इसलिए प्यार से हर बार दोस्ती। इतने बरस अजनबी बनकर हम हैं जिए, अब तो कीजिए हमसे सरकार दोस्ती। क्योंकि सारे कॉलेज के दोस्त यहाँ हैं, तो अब हम वो करेंगे जो कॉलेज में करते थे। यार पहले तो हम कैसे खाते थे और नाचते थे, वही करेंगे। लेट्स सिंग, लेट्स डांस, लेट्स बी 20 अगेन। लेकिन 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 कौन स्टार्ट, कौन करेगा, कौन करेगा? तू करेगा और कौन? अरे मैं तो वेट कर रहा था कोई बोले तो सही, मैं करूंगा। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें रोहन? तुम यूएस से इंडिया क्या बोलने आए हो? सिर्फ एक वर्ड, सॉरी। तुम हर बात बोलने में देर कर जाते हो रोहन। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे अपॉलोजी का बहुत देर तक इंतजार किया था, अब दोनों का आना इस पॉइंटलेस। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम भी मुझे मिस कर रहे होगे, क्योंकि प्यार तो हम दोनों का था ना। तुम भी मुझसे प्यार करते थे, राइट? रॉन्ग। प्यार करता था नहीं, प्यार करता हूं। बट आई डोंट, आई हैव मूव्ड ऑन। डोंट लाइ टू मी नजरी, मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करती। नहीं करती रोहन, तुम मुझे तब छोड़ के गए थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आई नो नंदनी, एंड आई एम रियली सॉरी, आई वॉज एन इडियट। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरी बॉम्ब का एक्सीडेंट हुआ। फन पार्टी है ना भी, देखो शायद किसी का बर्थडे होगा। नाइस। नंदिनी मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे ही प्यार करती। दैट इडियट समर, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक टाइम पास है। डोंट यू डेयर। मेरे समर का नाम अपनी जुबान से लेना भी मत। अरे क्या मेरा समर, मेरा समर लगा रखा है नंदिनी? इट्स यू एंड मी। नो रोहन, जब हम साथ थे ना, इट वाज नेवर रोहन एंड नंदिनी, सिर्फ रोहन था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं एक रियल रिलेशनशिप में हूँ, सो प्लीज लीव। मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, लीव।
अगर नहीं है तो बन जाएगी, मैं बना लूंगा। ये इंडिया है, यहां अगर जबरदस्ती लड़की का हाथ पकड़ेगा तो हाथ पड़ेगा। अबे इडियट, आजकल ना 26 घंटे में लोग एक दूसरे की शक्ल भूल जाते हैं, फोन उठाना भूल जाते हैं। जब बिल क्लिंटन ना यूएस का प्रेसिडेंट बना था तब टीडीएलजी रिलीज हुई थी और तब ना विराट कोहली सिर्फ 7 साल का था। तू तब से लेकर अब तक सिर्फ एक लड़की से एक तरफा प्यार करता आ रहा है, अरे तू कैसे कर सकता है, वो भी इतने सालों से बिना मिले बिना देखे बिना किसी उम्मीद के बिना किसी शर्त के। समझदार आदमी या तो उम्मीद कर सकता है या फिर प्यार, इसलिए मेरी जान मैंने उम्मीद नहीं की, सिर्फ प्यार किया। वन सेकेंड, तो तेरा कहने का मतलब है कि 26 सालों में तुझे यूएस में कोई नहीं मिली? ऑफ कोर्स मिली, बहुत मिली, पर क्या बताऊं यार, कोई दिल में सेटल नहीं हुई। और वैसे भी जो चांद से प्यार करते हैं वो सितारों पे जाके सेटल नहीं होते। वाह, तू ना एकदम यूनिक पीस है मेरी तरह। आई सो विश यार अनु की जिंदगी में ना तेरी थोड़ी सी जगह बन जाए। प्लीज डोंट गिव मी होप। होप नहीं है तो सुकून है, उम्मीद आ गई तो सुकून चला जाएगा। अच्छा चल रहने दे, वैसे तेरे बस का ना कुछ है तो नहीं, कम से कम आज अनु के साथ डांस ही कर ले, ये चांस क्यों खोना चाहता है? कैसी बातें कर रही है यार, ऑफ कोर्स यू नो द सिचुएशन, क्या बोल रही है? बोल नहीं रही, करूंगी, करके दिखाऊंगी, लेट्स गो। अरे कौन है तू? हैं तू यूजुअली इतना डंप है, ये आज कोई स्पेशल डे? इजंट इट ऑब्वियस कि मैं कौन हूं? समर, आई एम ग्लैड एटलीस्ट ट्यूबलाइट तो जली। अगर आज के बाद नंदू के आसपास दिखाई भी दिया ना तो जो चेहरा लेकर यूएस से आया वो चेहरा लेकर वापस यूएस जाएगा नहीं। और अगर नंदिनी मुझे खुद बुलाएगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वी, हम कब ऐसे पार्टी करेंगे? एक मिनट, here you go। और अब अनु डांस करेगी, तुम्हारी बारी। वैसे देविका बता रही थी कि तुम सिर्फ डांस करती नहीं बल्कि सिखाती भी हो। हाँ, नहीं, मैं हाँ, तो बस हो गई बात है। फिर कॉलेज रियूनियन के इस फंक्शन में एक डांस तो बनता है। बनता है। बनता है। रोहन, प्लीज लीव। अभी जा रहा हूं लेकिन वापस जरूर आऊंगा अपनी नंदू के लिए। समर, How dare he call you Nandu? जैसे अपर्णा अप्पू हो जाती है जैसे संजय संजू, वैसे ही लोग मुझे नंदू। मुझे बताया क्यों नहीं? बता देती तो मैं तुम्हें इस नाम से कभी नहीं बुलाता। क्यों नहीं बुलाते? नंदू मेरा नाम है, लोग मुझे इस नाम से बुलाए ना बुलाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम मुझे नंदू कह के बुलाते हो ना तो ये नाम मुझे बहुत स्पेशल लगने लगता है। स्पेशल तो उसका नाम है, इसलिए तो उसके नाम का टैटू हाथ में बनवा रखा है। वो मेरा पास्ट था, तुम मेरे प्रेजेंट हो समय। और फ्यूचर कौन है? वो या मैं? ऑफ कोर्स यू। आई लॉल यू। ये लॉल तुम उसे भी कहती थी ना? समर, जस्ट स्टॉप इट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम एक इनसिक्योर बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? हां, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, तुम उसे इतना मैच्योरली हैंडल करते हो। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट यू द मोस्ट। यू लव मी, आई लव यू। फिर ये झगड़ा क्यों हुआ? आई नो मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था लेकिन नहीं बता पाई ना, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने तुम्हें जानबूझ के हर्ट नहीं किया समर, सो प्लीज तुम भी मुझे हर्ट मत करो। अच्छा, तुम मेरी वजह से हर्ट हो रही हो तो फाइन, मैं यहां से चला जाता हूं। समर, समर रुक जाओ समर।
कम ऑन अनुपमा, एक गाना बनता है। वी, ये तो अनुज कपाड़िया है, मैंने इसे सोशल मीडिया पे देखा है। एंड ये अनुपमा का क्लासमेट है। डिड यू नो? अनु का ये डांस देखकर ना हमारे क्लास का सबसे हैंडसम लड़का अनुज अनुप्रिया फिदा हो गया। आप लोग क्या, अनुज कपाड़िया तुम्हारा क्लासमेट है? पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मुझे खुद ही नहीं पता था, मुझे तो वो कॉलेज में से याद भी नहीं है। याद नहीं है तब ऐसे नाच रही हो तुम, याद होता तो पता नहीं क्या करती। मैंने बताया नहीं कि मुझे वो याद नहीं है, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं है। ओ प्लीज अनुपमा, अभी तुम उसके साथ डांस कर रही थी, दिविका चिल्ला के कह रही थी कि उसने तुम्हारा नाम दिया डांस कंपटीशन में, और तुम कहती हो कि तुम्हें उसका चेहरा याद नहीं है। जरा हद में रह के बात करो काफी। अगर मुझे वो याद होता, अगर वो मेरा दोस्त होता तो कारखाने की ढील अब तक हो गई होती। ये वही अनुज है ना जिसके बारे में तुमने मुझे, तुम्हारी सहेली को अनुज के बारे में बात करते सुना मैंने। मेरी क्लास में था, मैंने उससे कभी बात भी नहीं की, मुझे पता भी नहीं था उसके मन में क्या है। वो तो देविका ने बताया, वो आपको मेरा विश्वास नहीं है। उस रात जो मैंने आपसे कहा था वो सच था। किस रात? मुझे कैसे पता कि उस रात जो तुमने कहा था वो सच था? किस रात? आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती, उस रात भी मैंने झूठ नहीं बोला था, मुझे जरूरत ही नहीं थी झूठ बोलने की। अरे बाबा किस रात की बात? चुप करो ने काव्या, अपने मन में ऐसी कोई बात लाने से पहले कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिया कीजिए। कैसी बात, कौन सी बात? ये हमारे बीच की बात है, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं। वी तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? कहानियां सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए अच्छी लगती है, दूसरों पे उंगलियां उठाने के लिए नहीं। होता ही नहीं है। तुम लोग अनुज, ये है वनराज, वनराज शाह, और ये उनकी वाइफ। वनराज शाह, आज मैं आपके ऑफिस आया था आज आपसे मिलने के लिए। आई एम रियली सॉरी बॉडी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आप अनुपमा के एक्स हस्बैंड वनराज शाह हैं। सॉरी, अदरवाइज अब तक डील हो जाती ना। आई मीन आप अनुपमा की फ्रेंड हैं। मिस्टर शाह, मुझे आपकी प्रॉपर्टी पसंद है, आई लाइक इट, बट मेरी लीगल टीम को थोड़े से इश्यूज हैं। वंस दोज आर सॉर्टेड आउट, आई प्रॉमिस आई विल लुक इनटू इट। ये जगह नहीं है ये सब बातें करने के लिए। आई थिंक शी इज राइट, इस जगह अगर कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ हो सकती है पहाड़ी। पहाड़ी? दैट साउंड्स लवली। वैसे देविका ने मुझे आपसे ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। आई एम काव्या। आई एम अनुज, अनुज कपाड़िया। नाइस टू मीट यू। वैसे आई मस्ट टेल यू, आप रियल लाइफ में और भी ज्यादा हैंडसम है। कैन वी टेक अ सेल्फी? श्योर। यस। यप। थैंक यू। इट वाज नाइस मीटिंग यू। हम लोग कुछ काम से आए थे यहाँ पे, चलते हैं। द प्लेजर वाज ऑल माइन। हैव फन अनुपमा। मैं भी चलती हूँ। इतनी जल्दी? I mean, we are just getting started. पार्टी अभी शुरू हुई है? हाँ, इतनी जल्दी क्या है? मुझे इतनी देर तक बाहर रहने की आदत नहीं है और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो। हाँ नो, मुझे अभी पार्टी करनी है, प्लीज। तो तू पार्टी कर, मैं चलती हूँ। और सुन,
मुझे ऐसे जबरदस्ती इस पार्टी में खींच के लाने के लिए थैंक यू वेरी मच। सोचा नहीं था लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और आपको भी थैंक यू इस पार्टी के लिए और कॉलेज कॉम्पिटिशन में मेरा नाम देने के लिए। चलती हूँ। एक्चुअली बहुत देर हो रही है एंड शी रियली वांट्स टू पार्टी स्टिल। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओह परफेक्ट, प्लीज इसे ड्रॉप कर दो, मैं चली। चलिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अरे पर मैं अकेले जा सकती हूँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। थैंक यू। आप मुझे याद नहीं थे पर अब याद रहेंगे। आपने वहां जो डांस किया वो हाँ वैसा कहीं और मत कीजिएगा। आई प्रॉमिस नहीं करूंगा। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, आई मीन बाय। किंजल को फोन करना पड़ेगा, बापूजी को दवाई दी कि नहीं, और समर और नंदिनी का झगड़ा ना हुआ। कान्हा जी, मौसम अधूरे इश्क का जो पहले से सर था, अब और भी गहरा हो गया जो सीने में दर्द था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।